सर आपका मैं बहुत दिनों से हाँ पोस्ट बोलो। देख रहा हूँ हेलो सर। जी, वो मिशन स्वच्छ भारत ना सर, नहीं क्राइम क्या नाम है, फ्री, क्राइम फ्री भारत क्राइम फ्री भारत, बोलो सॉरी। जी। यस, तो हाँ, सर अपने कैसे नहीं इसमें सरकार जुड़ के सकते राजा हैं? चाहते हैं ये, इसमें जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा वो भेजता हूँ, जी एक लिंक भेजता हूँ, तो ये इसके ठीक ऐप से आप जुड़ जाओ। ओके ठीक ये मैं आपको, एक मिनट, ओके ठीक कैन आई सेंड इट नाउ? आई विल सेंड आफ्टर आवर कन्वर्सेशन इज ओवर, नथिंग प्रॉब्लम जब सर। हमारी बात हो जाएगी तो फिर मैं आपको जो है ट्रीटमेंट जी जरूर जी। अभी, आप किस पद पर हैं? नेशनल जनरल ऐसे सेक्रेटरी। ही मैं दिमाग सीख ली है। अच्छा रखो सर, ओके। क्या कर रही है आपकी संस्था? ऑल इंडिया पुलिस को नो रखो डाउट आप समझ सकते हैं, ये रखो, अपने काम पुलिस करो। के लिए हाँ एंड सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने हाँ हाँ बहुत सारे हेल्प करते हैं, पब्लिकली पब्लिक डोमेन पर भी और पुलिस ऑफिसर रैंक वगैरह पे भी। जैसे हमारे कोलकाता में नो डाउट आप जानते होंगे सर, आईपीएस रैंक पे हैं, तो लाल बाजार इट्स अ हेडक्वार्टर ऑफ कोलकाता पुलिस, ओके। ठीक है। तो इनके लिए भी हमने बहुत सारा, जैसे इनका जो रिकमेंडेशन था हाँ, उसमें बहुत सारे मतलब ऐसा था कि जो रहते थे ऑफिसर बहुत ही दयनीय अवस्था में रहते थे, क्योंकि उनका बाथरूम बेटर नहीं था, बहुत सारे ऐसे जगह थे जिस पे क्रैक आ चुका था। तो सर हमने डीजी सर से बात करके, दैट टाइम थे पीयूष पांडे, अभी वो ममता बनर्जी के क्या बोलते हैं पर्सनल ये हैं, ठीक है, सिक्योरिटी में हैं। ओके उससे पहले वो कोलकाता सीपी थे। तो ओके ओके। सर से मैंने बात करके वहाँ पे जो भी हुआ मैंने उनको अभी ये बहुत बताइए, सारे देखिए ये अच्छी बात है कि आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, एज ए लीडरशिप जो है ना, डीजी को और एडिशनल डीजी और इतनी सारी फौज है, उनको जाना चाहिए, घरों को देखना चाहिए। जी। व्हाई व्हाई द डिपार्टमेंट शुड नॉट जो है ना लुक इनटू द वेलफेयर पार्ट ऑफ द पुलिस? देर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली दे हैव अ मेनली प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल साइड। पॉलिटिकल तरफ से उनको ऐसा फंड भी नहीं आता है। नहीं, आप जो है जवानों का हित करने के लिए, आपके लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अपना हित जी करने के लिए कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं। सर, वो तो आप आईपीएस रैंक पे हैं, आप तो हमसे ज्यादा जानते होंगे कि तो मैं वही कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल पॉलिटिकल और पुलिस के बीच में क्या होता है। पुलिस जितना अपने तरफ से एफर्ट करती है, पॉलिटिकल तौर पे उनको उतना नहीं मिलता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि ये करप्ट हो जाते हैं सर। डोंट नहीं लेकिन वरी। लेकिन आप तो डीजी के पास ही गए ना, आप सीएम के या नहीं एसएम के पास जाके आप नहीं वहां नहीं से रिसोर्स तो नहीं लाए हो, नहीं इसका बट मतलब है कि नहीं डीजी नहीं को रिसोर्सेज का यूज हुआ है, तो नहीं सर, डीजी ने इसमें उन चीज रिसोर्सेज का यूज क्यों नहीं किया? नहीं, हम इसमें बता रहे हैं, इसमें हमने मलाई घटक से फोन करवाया था। हाँ मलाई घटक से उनके लिए फंड भी मैंने रिलीज करवाया था। मलाई घटक इज अ कानून मंत्री, हमारे यहाँ के कानून मंत्री है वेस्ट बंगाल के, ठीक अच्छा है। मैंने मलाई घटक से डायरेक्ट मीटिंग किया, उनसे बोला कि सर ये चीज़ मैटर है, आप हेल्प करिए, ठीक है। और कुछ ऐसे लीगल मैटर्स थे जिसके देखो देखो वजह से पुलिस सस्पेंड देखिए, हुए थे, उनको भी पुलिस मैंने जी पुलिस जी की आप मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन जनता की मदद करने की ज्यादा जरूरत है जो कि नहीं गुलाम है। यदि सर, अब हम बता रहे हैं यदि एक्चुअली मैं आपको ये कहूं कि आप गुलाम हैं तो जी। आपको कितना बुरा लगना चाहिए? नहीं, ये तो आपने धरातल की सच्चाई बताई, नहीं लेकिन तो एक फिर सच्चाई आपको सर जो है, आज आपको सबसे पहले अपने आप को गुलामियत से बाहर निकालना चाहिए, जो नहीं, नो गुलामों डाउट के, सर, जब गुलामों के कानून आपके ऊपर लादे गए उनसे बाहर निकालना चाहिए, गुलामी की जो व्यवस्था है जो आपके ऊपर लादी गई है, जो संस्थागत है, जो लॉर्डशिप है, उसको बाहर निकलना चाहिए, और जो जी पॉलिटिकल सत्ता आपके ऊपर जो है ना थोपी गई है, जो कि आपके वोट से चुनी जाती है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसको जी बदलने के लिए सामने आइए। नहीं सर, हम यदि आप इसको उसको ऐसे सामने आएंगे तो पुलिस का भला अपने आप हो जाएगा। नहीं, पुलिस का भला ऐसे होता है सर, थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर रहे। अभी एक मैटर मेरे पास ऐसा आया है कि पुलिस उनको ऊपर दबाव बना रही है, तो हम उस पुलिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हम चूंकि सीपी सर को बोले, सीपी सर ने डायरेक्ट फोन किया उस ऑफिसर को, आईओ को, केस में तो आईओ होता है ना, तो उनको फोन किया कि सर आप क्या कर रहे हो, इससे पुलिस की बदनामी होगी, ठीक है, आप इस मैटर से इस तरीके से रहिए। तो
कि पुलिस की बदनामी ना हो। तो आफ्टर डैट नंदी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नंदी सर आईओ थे उस केस के, ये वेस्ट बंगाल का केस है। बट वही है कि कोडरमा में, झारखंड में एक जगह है कोडरमा, वहाँ पे ऑफिसर सपोर्ट नहीं कर रहा था एक्यूज, मतलब जो जिन्होंने केस कंप्लेन किया था उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ जी सर, कि ऑफिशियल सपोर्ट ना करें, अपना ऑफिशियल जो है अपने ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करके कंपेंसेशन ले लिया जाए ना उससे, वो जो उसको जो तनख्वाह मिल रही है, टू डू हिज जॉब। इफ ही इज फेलिंग टू डू हिज जॉब देन ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड ही शुड बी मेड टू पे द कंपनसेशन। जी सर, ऐसा ही करने के लिए अपने कुछ सोच रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि हाँ ऐसा आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप गुलामियत से बाहर नहीं निकलेंगे। जी सर, आपके ये ऊपर आपने बहुत सही संदेश दिया। अंग्रेजों के जो गुलामों के नियम थे वो आपके ऊपर थोप दिए। जो जी लॉर्डशिप की व्यवस्था थी जिसमें पुलिस, ज्यूडिशरी और ब्यूरोक्रेसी आती, वो आपके ऊपर थोप दी, जो कि आपका जी लॉर्ड है, जो जी डिसीजन गलत ले ना ले, जो आप कह रहे हैं ना आईओ वाईओ, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है ना। बहुत छोटे, सही बात है देन जो है, जो राजसत्ता है वो आपके बोर्ड से तो बनती है और आपके मूर्ख जी। बना के बोर्ड ले लिए जाते हैं, आपको जाति धर्म पे बांट के बोर्ड ले लिए जाते हैं आपको जो है, और सर ये आपके आपके इसकी बोर्ड सच्चाई है सर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आगे भी ये आपका चलेगी। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी दी आप जो है ना जूते लाते खाने के लिए बने हुए हैं, जी आप जी जी गुलामियत सर, झेलने के लिए बने हुए हैं। तो आपसे जी अच्छे तो वो हैं जो कि जो है ना अंग्रेजों से लड़के जो है, जिन्होंने जो है ना अंग्रेजों के दांत जिन्होंने हमें पकड़े। स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता तो आपको आज भी नहीं मिली है, आज नहीं, ये आज आज भी नहीं आज मिले, भी आपको ट्रांसफर ऑफ पावर उनसे मिला है जी और उनसे वो ट्रांसफर स्वतंत्रता मिली, लेकिन यहाँ हम गुलाम हो गए अपने ही देश के लोगों से। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और आपके जी ऊपर गुलामों के नियम, कानून, व्यवस्था सब लाद थोप दी दी गई गई जी। है, और जो आपके बूट से सत्ता में स्थापित हो रहा है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पॉलिटिकल जी पार्टीज में जो है ना, ना तो पार्लियामेंट में आपका हित देख पा रहा है ना पार्लियामेंट के बाहर। जी पार्लियामेंट में सर, वो जो है पार्टी भिप से बंधा है और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है और अत्यंत ही भयग्रस्त है। उसे लग रहा है कि जो थोड़े बहुत टुकड़े जो है ना उनके हिस्से में आ रहे हैं, कहीं वही भी उसकी प्लेट से ना उठा लिया जाए, इसलिए एकदम डरा हुआ प्राणी है। सर ऐसा करोड़ों रुपए खर्च करके वो चुनाव जीतता है और जी पहले जी दिन से ही भ्रष्टाचार करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे लग जाता है। सर, एक्चुअली तो मोटो क्या है अपने टीम का? मोटो है अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, समृद्ध भारत और जो है आपको आजादी दिलाने का भारत, क्योंकि अब तो आप आजाद नहीं है, आप तो वोट देने वाले गुलाम हैं। तो सही बात है सर, ये आपने लास्ट तक एक बात कहा। आप ये बताइए, कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि आप गुलाम हैं, मैं आपको इससे आजादी दिलाऊंगा? थिंकिंग ही नहीं है उनको, पता है कि हमको वोट इसी से मिलेगा, गुलामी से आजाद करवा देंगे तो मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म। नहीं तो भाई उनका राजनीतिक कैरियर उनके लिए महत्वपूर्ण है, आप साले गुलाम बने रहो क्योंकि आप गुलामी के लिए पैदा हुए हो। सर इसी चीज को तो अपने समाज में जागरूकता फैलाना है। देखो आज आपको सर बहुत जागरूकता दिनों से जा, आपको मैंने जा, फॉलो जा, किया जागरूकता अकेले करने से कोई भला नहीं होगा। नहीं सर, इसके जागरूकता को सो 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 सॉरी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, जागरूकता को एक शक्ति में कन्वर्ट करिए, जागरूकता को जोड़ दीजिए। दैट्स अ पॉइंट, यही मैं बोलना चाह रहा था कि हमारे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी ने, सभी ने एक ही चीज कहा था, एकला चलो, ये वर्ड आप भी सुने होंगे, एकला चलो, इसके पीछे आपके पास ऑलरेडी पब्लिक आ जाएगी, जब आप अकेले चलेंगे ना नहीं तो ये ऑलरेडी पब्लिक आ जाएगा। सर नहीं ये मैंने जब संसद से ये उनको मीटिंग नहीं की, मालूम था कि भारतीय जो है ना वो गुलाम प्रवृत्ति के हैं, वो डरे नहीं हुए हैं, सर वो दाएं बाएं देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, इनके पीछे मैं जा रहा हूं। तो इसलिए अब जो है इसको कॉन्शियसली हमें बात करना पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सर, वही और एक अन्ना वाला जो आंदोलन हुआ था ना एक समय, जिससे इतने बड़े रेवोल्यूशन आई और बीजेपी आया, लेकिन फिर वही चीजें चल रही हैं, एक बार फिर रेवोल्यूशन लाना होगा। आप ये बताइए, अन्ना जी का आंदोलन से पुलिस जो है लोकपाल एक्ट बना,
जी बीजेपी ने 2014 से 2019 तक एक पूरा टेन्योर निकाल दिया, लोकपाल की पदस्थापना ही नहीं की। सर, ये हो सकता है तो आप, मार्च 2019 में लोकपाल की पदस्थापना हुई है, अभी 3.25 साल से भी ज्यादा हो गया है। क्या आप अपने लोकपाल महोदय का नाम जानते हैं? सर हम तो बोले धरातल की सच्चाई, सर आप हमसे बेटर आप जानते हैं। नहीं, आप ये बताइए, आप अपने लोकपाल महोदय का नाम जानते हैं क्या? तो हम तो वही बोल रहे हैं ना सर, धरातल की सच्चाई आप भी जानते हैं, ये आप तो पता नहीं ही है। जानते हो तो ये बताओ, अन्ना जी ने तो कहा था लोकपाल एक्ट आ जाएगा तो जो है ना देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, तो अन्ना जी बताएं, केजरीवाल बताएं सर कि भैया ये तो नहीं हुआ मुक्त, तो अन्ना जी तो इसलिए खुद गायब हो गए। नहीं, इसलिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये भ्रष्टाचार और करप्शन जब तक मुक्त नहीं हो सकता है जब तक जी आपकी भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, और जब तक ये वर्तमान जो है पॉलिटिकल सेटअप है, तो आपको वो सेटअप पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बदलना पड़ेगा, एक सशक्त व्यवस्था उतारना पड़ेगी, अपराध मुक्त भारत की जो 5 सर्टेनिटी है उन्हें जमीन पे उतारना पड़ेगा, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो, 15 दिन में जो है साधारण से साधारण पुलिस जो है ना 60 साक्षियों को क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से जो है ना इकट्ठा कर पाए, और वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में अधिकतम समय में आपको न्याय मिल जाए। यदि सर ऐसा ये, होता है तो अपराध मुक्त भारत जमीन पर उतरेगा। सर ये चीज लेकिन हम लेकिन कहीं नहीं बोल सकते, हम अपने एरिया में ये चीज को एटलीस्ट 70 से 75% हम लागू करवा चुके हैं। ठीक बंगाल है में और अपराध मुक्त भारत अपराध अपराध मुक्त अपराधमय बंगाल है आपका, यहाँ आपकी चारों बातें तरफ जो है सर, ना अपराधी अपराध हैं। आप किस कहाँ किस दुनिया में हैं? सर एक बार आप विजिट करिए, कहाँ अरे मैंने कई बार विजिट किया हुआ है, आई हैड बीन टू पे कोलकाता सर, से लेके हर जगह, और कहाँ पे? एक बार आप बैरकपुर नॉर्थ चौबीस परगना डिस्ट्रिक्ट में एक बार अरे आप यार, आइए एकाध सर। परगना एकाध जिले में कैसे हो सकता है जब व्यवस्था ही मैंने क्या बोला सर, मैं अपने एरिया में, मैंने पूरे बंगाल को मैंने नहीं बोला, मैंने बोला अपने एरिया में। अपने एरिया में, क्या आपके यहाँ पे जो है ना पुलिस हर रिपोर्ट लिख रही है क्या? सर एक बार आप अगर नहीं, समय, आप मेरे आप बात का मुझे, जवाब दे दीजिए ना, मैं आपके बात की बात पे विश्वास करूंगा। जी सर मैं आपको बहुत सारा न्यूज ऐसा दे दूंगा, आप यहाँ पे अगर क्राइम हो ना, विद इन मिनट पुलिस पहुंचती है, उसका रिजल्ट मिलता है सर। चलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी पुलिस आपको मिली सर है, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत किया है पर्सनली, मैं, और मुझे ट्रांस अदर्स का नहीं पता, पर्सनली मैंने मेहनत किया है जिसके वजह से मुझे ये मिला, प्लस चलिए मेरे आप बहुत जो है प्रयास क्राइम करने के बाद मुझे आप अजय क्राइम ठाकुर जैसे सीपी मिले हैं। आप क्राइम फ्री भारत से जो है ना जुड़िए, और जी पूरे भारत में बदलाव की अलख जगाइए, क्योंकि एक परगने में जो है ना कुछ बदलाव आ जाए ये संभव नहीं है, ये चक्रव्यूह है, इसकी संरचना बदलना बहुत मुश्किल है, लिहाजा सर जब तक आप, जो है ना सामूल जो है चक्रव्यूह को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये बदलाव बहुत अस्थायी होगा और इंडिविजुअल की मेहरबानी पर होगा। सर यदि मेरा तो आपका सीपी, इंडिविजुअल अच्छा आ गया तो शायद आपको जो है ना कुछ लाभ मिल जाए, और इंडिविजुअल खराब आ गया तो आपको जूते लाते खाने के लिए बेबस होना पड़े। बात सही है, बट मेरा थिंकिंग सर एक और है, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 की सोच मेरी हमेशा से रही है। चलिए, मैं तो आपका क्या शुभ नाम क्या बताया आपने? आकाश निगम जी, आकाश निगम। तो आकाश निगम जी, आपसे अच्छी वार्तालाप हुई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका सर आप आह्वान एक करता और, हूँ, आप क्राइम फ्री भारत मिशन में जो है हमारे ऐप की लिंक के माध्यम से जुड़िए, और जी अपने सभी साथियों को जोड़िए, और जी ये आपको रोज 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, और जिनको जोड़ेंगे वो उनसे कहिए कि वो 10 10 लोगों को जोड़ें। यदि इतना जरूर ही यदि हम क्रम से कर लेंगे, और जितने भी आपकी समाज सेवी संगठन हैं, जितने पुलिस सेवी संगठन हैं, जितने जो है ना पुण्यार्थी लोग हैं, सबको जोड़िए, और वो अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी लोगों को साथ में यदि जुड़ जाएंगे तो हम ये जी परिवर्तन को जमीन पर उतार पाएंगे। जरूर सर। सर हमारे साथ तो यहाँ लोकल में ही 4 IPS ऑफिसर मेरे साथ ऑन जुड़े हुए आप हैं, छोड़िए इन जो बातों कि को, सभी लोग इन एमएचएस से बातों रिटायर्ड को इन हुए बातों हैं। पे चर्चा ना करें अपन, आप जी जुड़िए और फिर देखिए, ढेर सारी चीजें आपको और समझ में आएंगी, ठीक जरूर जरूर सर। है सर ना? एक बार आप लिंक फॉरवर्ड करिए, और जुड़ने चलिए से ही नहीं होगा सर, एक्चुअली मुझे ऐसा अधिकार दिया जाए कि जिसके थ्रू मैं कार्य कर सकूं। सर अधिकार भी बहुत बड़ी चीज आपका होती अधिकार है। यह है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ लो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, जी जी ठीक जी
है ना। है, चलिए, जय थैंक हिंद, यू जय सर, भारत, जय हिंद वंदे सर। मातरम।